कि कांग्रेस में केवल नेहरू परिवार को पद मिलेगा, केवल नेहरू परिवार को ही कांग्रेस की सत्ता मिलेगी, ये स्पष्ट हो चुका है। पहले परनाना, फिर दादी, फिर पिताजी, फिर मम्मी जी, फिर बेटा जी, फिर मम्मी जी, बीच में थोड़ी बहुत जगह जो है वहां पर दीदी जी, सिंधिया जी को कहां रास्ता मिलेगा। अब ये सिंधिया जी को समझना चाहिए कि वो कद में, पद में, वरिष्ठता में, इंटेलेक्चुअल जो उनकी स्थिति है उसमें, दिमाग में, दिल में, पारिवारिक पृष्ठभूमि में, हर हिसाब से राहुल गांधी से बीसे हैं, पर वो राहुल गांधी की लीडरशिप को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, ये प्रश्न चिन्ह लगा है। मुझे लगता है कि सिंधिया जी के साथ निश्चित रूप से बहुत खराब व्यवहार कांग्रेस के अंदर हो रहा है, और जिस प्रकार से उन्हें लगातार पहले लोकसभा चुनाव में उन्हें मध्य प्रदेश से हटाकर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, केवल इसलिए कि उनका कोई हस्तक्षेप मध्य प्रदेश की राजनीति में ना हो, फिर उसके बाद इस विधानसभा चुनाव में उनको मध्य प्रदेश से हटाकर महाराष्ट्र भेजा गया, ये निश्चित रूप से उनका अपमान किया गया है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के किसी युवा नेता का कांग्रेस में इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए उनके मंत्री रोज कोई ना कोई जांच का बहाना बना के अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अब सरकार का इतना समय हो चुका है जिसमें उनको अपनी खुद की जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, ना कि पुरानी सरकारों को इंसान। बाढ़ को लेकर जरा बात कर लें, किसानों में हाहाकार मचा है, किसानों की फसलें नष्ट हो गई, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, किसी को ये फुर्सत नहीं मिली कि वो भोपाल के वल्लभ भवन और अपने मंत्रियों के आवास के एसी कमरों से निकलकर जनता के बीच जाए, किसानों के बीच जाए, बाढ़ पीड़ितों के बीच जाए। मध्य प्रदेश में कोई सरकार है ये अनुभव नहीं हो रहा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा की कहावत चरितार्थ हो रही है, और उसी का परिणाम है कि बाढ़ का हाहाकार है और मुख्यमंत्री जी चैन की बंसी बजाकर सो रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार ऐसी कोई सरकार है जो जनता का ध्यान नहीं रख रही, केवल अपने दलालों का ध्यान रख।